इसके बाद दोस्तों नीचे चलेंगे तो हमको एक स्टार्टर की वायरिंग मिलेगी, फीड वाटर पंप नंबर वन। इसका ये पावर वायरिंग है और ये कंट्रोल वायरिंग है। तो सबसे पहले पावर वायरिंग समझ लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, डेल्टा इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइंग के बारे में। लास्ट में जो हमने ड्राइंग समझा था वो ये ड्राइंग है, बेसिक ड्राइंग है। इसका मीटर दिया हुआ है, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर, ये सब फैन और एलईडी ट्यूबलाइट ये हमने देखा था। इसके बाद हम समझेंगे इसकी जो आगे कंट्रोलिंग वायरिंग है उसको हम समझेंगे। ट्रांसफॉर्मर इधर लगा हुआ है और कहाँ पर बस बार में गया है। उसके बाद इसका जो नीचे में आएगा एक स्टार्टर हम समझ लेंगे, मोटर का स्टार्टर इसमें कैसे काम करेगा, पीएलसी से कैसे स्टार्ट होगा। ये मोटर लगी हुई है और इसकी ये कंट्रोल वायरिंग है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने एड्रेस समझा था, इस एड्रेस को कैसे समझते हैं। 39A वो हमने समझा था यहाँ से। ये 13 नंबर सीट और ये 9 और ये ए, मतलब कि वो जो सप्लाई वहाँ पे मिल रही है वो यहाँ से मिल रही है, यहाँ से डायरेक्ट इधर कनेक्ट है। यहाँ पे हमको वो सप्लाई मिल रही है आर वाई बी और न्यूट्रल और फेज। तो अभी इसमें क्या है, सबसे पहले कंट्रोल सप्लाई देने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो 3 फेज का होता है, यानी कि 415 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इनपुट होता है और आउटपुट हमको 220 वोल्ट मिलता है। दोस्तों चाहिए तो हम यहाँ से आर फेस और न्यूट्रल भी ले सकते थे, लेकिन हमको इधर पूरा सेफ्टी के साथ काम करना है इसलिए ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। अभी आप देखेंगे आर फेस और वाई फेस लिया है, क्योंकि न्यूट्रल कभी कभी मिस हो जाता है तो सर्किट में प्रॉब्लम हो सकता है, और इससे सेफ्टी भी रहेगी। जो हमारा कॉन्टेक्टर का कोयल वगैरह पीएलसी है सबको सेफ्टी रहेगी इससे। तो यहाँ पर 2 फेज का ट्रांसफार्मर दिया है जो इनपुट में 2 फेज है और आउटपुट में सिंगल फेज और 0 वोल्ट है। ट्रांसफार्मर रेटिंग देख लीजिए आप, यहाँ से इनपुट 415 और आउटपुट 220 वोल्ट, 1 फेज 1.5 kVA का है। इससे पहले एक एमसी भी लगी है, 2.5 mm² का वायर लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये वायर है और ये एमसी भी लगी हुई है 2 पोल की 6 एम्पेयर की। इसके बाद आप देखेंगे ट्रांसफार्मर है, इसके बाद फिर से एमसी भी लगाई हुई है। इसके बाद एक कंट्रोल वायरिंग दी हुई है, जो हमारी जो कंट्रोल सप्लाई ऑन है उसका ग्रीन इंडिकेशन आएगा, कंट्रोल ऑन यहाँ पे लिखा है ग्रीन इंडिकेशन। तो ये 220 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट से एक ऑन कर दिया है ग्रीन इंडिकेशन। जैसे हम एमसीबी को ऑन करेंगे ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो जाएगा कि हमारा कंट्रोल सप्लाई ऑन है। इसके बाद एक कंट्रोलिंग यहाँ दी हुई है, एक इमरजेंसी सेलेक्टर स्विच है और एक कॉन्टेक्टर है, इसमें भी सेम वायरिंग है। न्यूट्रल इसका कोयल को डायरेक्ट दे दिया और जो फेज है उसको एक स्विच से कंट्रोल किया है। जैसे हम स्विच बंद करेंगे तो कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और स्विच ऑन करेंगे तो कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ये जो कॉन्टेक्टर हैं इसमें एड्रेस दिया है। अभी कॉन्टेक्टर यहाँ पे दिखा जाए K1 230 वोल्ट AC ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। अभी हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे कहाँ पर लगा हुआ है इस ड्रॉइंग में, तो इसमें यहाँ एड्रेस लिखा है 14 3D। तो 14 नंबर सीट है, यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर सीट है और इधर में आपको दिखेगा 3, ये 3 नंबर रो में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे डी में, इस लाइन में हमको मिलेगा, ये है K1 कॉन्टेक्टर। ये जो K1 कॉन्टेक्टर वो ये है। तो कॉन्टेक्टर कोयल तो यहाँ से ऑन हो जाएगी, लेकिन जो इसका NONC है वो यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे ये इसको ऑन करेंगे तो ये जो NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो सप्लाई है यहाँ पे बस बार दी हुई है फेज 2 और न्यूट्रल 2। तो ये बस बार है, इसमें फेज मिल जाएगा यहाँ पर और न्यूट्रल यहाँ मिल जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखा है और फेस को इस कॉन्टेक्टर थ्रू कंट्रोल की। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये NO से NC हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें भी एड्रेस दिया हुआ है 14 2C, तो ये सीट है 14 और 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर कॉलम और सी रो में मिलेगा हमको ये। तो ये कॉन्टेक्टर दिया हुआ है, इसका एड्रेस है ये। उसके बाद जो एक सप्लाई है वो डायरेक्ट बिना कंट्रोलिंग के हमारा जो कुछ फीटर लगी हुई है उसमें जाएगा, वाटर पंप है यहाँ पे। ये बस बार है एक सिंगल फेज का, न्यूट्रल और ये फेज। तो ये सप्लाई चलेगी 16 3A, तो पेज नंबर है 16 पे ये मिलेगी हमको और ये 31 पे मिलेगी। ऐसे ही सेम पूरा बस बार से पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पे। सप्लाई फॉर स्क्रू फीडर नंबर 2, सप्लाई फॉर डोजिंग बिन स्टेनर
यहाँ पर गई हुई है पी टू और एन, तो ये कंट्रोल सप्लाई यहाँ से डिवाइडेशन हो गया है। उसके बाद आगे जो ये सप्लाई कहाँ गई है, 15 1B, 15 1B, तो ये इसको ढूंढेंगे हम कहाँ पे हैं 15 1B, तो 15 नंबर पेज पे जाना पड़ेगा हमको। ये 15 नंबर पेज है, 15 1B, 1 और ये B, तो ये सप्लाई हमको यहाँ मिलेगी। वो जो सप्लाई आ रही थी वो यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, और ये फिर आगे एक बस बार लगी हुई लंबी, उसमें पूरा फिटर दिया हुआ है सबको, कंट्रोल वायरिंग सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसके बाद दोस्तों नीचे चलेंगे तो हमको एक स्टार्टर की वायरिंग मिलेगी, फीड वाटर पंप नंबर 1, इसका ये पावर वायरिंग है और ये कंट्रोल वायरिंग है। तो सबसे पहले पावर वायरिंग समझ लेते हैं। इसमें दिया है RYB, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई दे दी है, ये 149A से आया हुआ है और आगे भी जाएगा ये 170A पे। ऐसे पूरा बस बार कंटिन्यू चलता रहता है, और ये कंट्रोलिंग बस बार है और ये पावर बस बार है। यहाँ पर 4 स्क्वायर mm का वायर लगाया हुआ है। उसके बाद एक MPC भी दी हुई है 13 to 20 एम्पीयर F1Q1, ये एड्रेस ध्यान रखना दोस्तों, ये हमको आगे मिलेगा कंट्रोल वायरिंग में। ये MPCB का सिंबल है जो ओवरलोड प्लस स्विच का काम करता है। अभी इसमें MPCB में एक NC पॉइंट है और एक NO पॉइंट है। NO है 13-14, NC है 65-66, इसका भी हमको कंट्रोल वायरिंग में मिलेगा। उसके बाद है F1K1, 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जो मेन कॉन्टेक्टर है मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ये जो कॉन्टेक्टर है वो हमको इधर कंट्रोल में मिलेगा। अभी हम पावर वायरिंग देख रहे हैं, F1 TB1 पे जो वायर गए हैं वहाँ पे हम मोटर के कनेक्शन करेंगे और फील्ड में यहाँ पे मोटर रन होगा, उसको अर्थिंग दिया जाएगा इधर से। इसके बाद हम देख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग। दोस्तों जो हमने बस बार देखा था सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर के बाद, वही बस बार ये है। यहाँ से 14-1E से मिला है हमको न्यूट्रल और ये फेज। तो यहाँ पे देखेंगे F1 MCB, एक MCB लगाइए टू पोल का जो 2 एम्पेयर का है, वो तो खाली इसकी कंट्रोल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये न्यूट्रल है और ये फेज है, ये न्यूट्रल और ये फेज। सबसे पहले हम फेज को देखेंगे। फेज जो दिया है सबसे पहले MPCB ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट का NO में जाएगा, मतलब कि ये जो दिया है यहाँ पे देखेंगे आप F1 Q1 ये है। तो इसको देखेंगे NO पॉइंट, ये NO पॉइंट है 13-14 इससे लिया हुआ है। जैसे हम MPCB को ऑन करेंगे तभी ये स्टार्टर ऑन हो सकता है, तो सबसे पहले कंपलसरी इसका ऑन होना ज़रूरी है। तो ये NO से NC हो जाएगा, ऑन होते ही ये NO से NC हो जाएगा और ये हमारा ऑन हो सकता है, ठीक है। सप्लाई इसके बाद यहाँ मिल जाएगी हमको F1 TB2, एक TB लगाया हुआ है उस पर गया हुआ है। ये क्या है, फ्यूचर इंटरलॉक के लिए दिया है। कभी भी हमको फील्ड में कुछ स्विच लगाना है, लिमिट स्विच लगाना है, इमरजेंसी लगाना है, उसके लिए हम फ्यूचर इंटरलॉक देते हैं। कोई मशीन के साथ इंटरलॉक करना है तो यहाँ पे हम दोनों वायर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमने इस पर लिंक मार दिया है तो सप्लाई हमको यहाँ मिल जाएगी F1 TB2 पे। उसके बाद F1K2, ये एक कॉन्टेक्टर है F1K2 जो कि ओवरलोड के लिए प्रोटेक्शन दिया है, जो आगे मिलेगा हमको यहाँ पे। एड्रेस भी दिया है वो मैं दिखा दूंगा अभी आपको, ये भी NO है। उसके बाद है PLC स्टार्ट से कमांड आएगी इसको। PLC स्टार्ट कहाँ से कमांड आएगी वो मैं आप अभी दिखाता हूँ आपको एड्रेस के थ्रू। 64 पेज नंबर पे चलेंगे तो जैसे मान लो अगर PLC ने इसको कमांड दे दिया, जैसे कि PLC का काम है एक रिले लगा हुआ है ये दोनों वायर को शॉर्ट करेगा उधर से। जैसे हम सिस्टम से उसको कमांड देंगे तो ये दोनों वायर शॉर्ट हो जाएगा और सप्लाई यहाँ से यहाँ मिल जाएगी और इसका A1 पे आ जाएगी। A1 पे मिलते हैं हमको कॉन्टेक्टर पे, जैसे A1 पे सप्लाई मिलेगी और न्यूट्रल इधर से कंटिन्यू आया हुआ है कॉमन, ये न्यूट्रल है आप देख सकते हैं, ये न्यूट्रल MCB के थ्रू डायरेक्ट इधर में दिया हुआ है। न्यूट्रल सब में कॉमन होता है। तो जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा और मोटर स्टार्ट हो जाएगी, मेन कॉन्टेक्टर है जो हमने देखा था F1K1, ये यही कॉन्टेक्टर है, ये वाला कॉन्टेक्टर है, इससे मोटर स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरा ये जो F1K2 कॉन्टेक्टर है वो यहाँ पे देखा था हमने, ये क्या है, ये ओवरलोड के लिए दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे F1Q1 ये जो MPCB है इसका NC पॉइंट से आएगा, जैसे ये NC ही है और जब ये ट्रिप हो जाएगी ओवरलोड की वजह से तो ये जो NC है वो NO में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्टर हमारा ये ऑफ हो जाएगा
और यहाँ पे ये जो एन सी बना हुआ था वो एन ओ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सप्लाई आगे हमारा ये जो कॉन्ट्रेक्टर है ये भी ऑफ हो जाएगा, इससे कि सप्लाई मोटर में नहीं जाएगी और हम इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद फेज़ जो लिया है, ये फेज़ हमारा जो इंडिकेशन है उसके लिए दिया है, तो आप देखेंगे इसमें इंडिकेशन है तीन, एक ग्रीन इंडिकेशन है जो ऑन का है, रेड इंडिकेशन है जो ऑफ का है, और एम्बर है जो ट्रिप का है। तो सबसे पहले ऑन को देख लेते हैं। ऑन हमारा आएगा F1K1 से, F1K1 ये कॉन्टेक्टर है, इसके थ्रू यहाँ पे आएगा। जैसे ये ऑन होगा तो ये NO है वो NC में कन्वर्ट हो जाएगा और फेज इसको यहाँ मिलेगा और न्यूट्रल इसको कंटिन्यू मिला हुआ है, ऑन इंडिकेशन और ये ऑफ इंडिकेशन। ये F1K1 के NC से लिया गया है, जैसे ये NC से NO होगा तो ये ऑफ हो जाएगा और ऑफ होने के बाद ये ऑफ इंडिकेशन इसमें जलेगा, जैसे कॉन्टेक्टर ऑफ होगा तो ये इंडिकेशन जलेगा। उसके बाद F1K2 ये जो कॉन्टेक्टर है इसके थ्रू एक येलो लाइट लिया हुआ है जो ट्रिप दिखाएगा, जैसे कॉन्टेक्टर लगेगा, जैसे ये ओवरलोड रिले यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये कॉन्टेक्टर लगेगा और ये इंडिकेशन इधर ग्लो होगा, ट्रिप का इंडिकेशन इससे दिया हुआ है। और तो इसमें बाकी का हमारा काम PLC का जो कमांड है वो किधर से आएगा, तो हम चलेंगे 64 पेज पे, 64 1E हम देखेंगे आगे, 64 1E पे। यहाँ पे देखेंगे हम 64 1E, ये 64 1, ये 64 नंबर पेज है और इसका वन नंबर जो कॉलम है, इसका वन नंबर कॉलम ये है और 1E पे हम चेक करेंगे। 1E फीड वाटर पंप नंबर 1 जो हम सबसे पहले देख रहे हैं स्टार्टर, वो ये है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये जो PLC है, PLC का रिले कार्ड लगा हुआ है, PLC से कमांड आएगा रिले कार्ड को, ये PLC मॉड्यूल है, यहाँ से Q00 से इसको कमांड आएगा तो ये रिले ऑन होगा। और यहाँ से जो ये दिया है, ये देखो ये रिले लगी हुई है, यहाँ पे दिया है ये कॉमन, ये NC और ये NO, जैसे ये यहाँ पे अभी NC है इसके साथ और ये NO, जैसे कमांड आएगी तो ये P1 जो है इससे कनेक्ट होगा और ये दोनों वायर को शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करेगा तो उधर जो मैंने बताया था आपको कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। इसका एड्रेस देखो आप 16 3D वहीं पे जा रहा है जहाँ हम पहले सीट पर थे, 16 नंबर सीट पे। ये 16 नंबर सीट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आप, ये 16 नंबर सीट है, यहाँ पे वो कनेक्शन यहीं पे आ रहा है। तो ये दोनों वायर जैसे रिलीज शॉर्ट होगा तो ये A1 कॉन्टेक्टर लगेगा। दोस्तों इसके आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक ज़रूर कर देना, थैंक यू।